अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे चैनल पे आ चुकी हैं दो कम्युनिटी स्ट्राइक्स और जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन में जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस, ये गलती हमने की है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे हमें देखने वाले नए नए नाज़रीन हैं, हमारे दोस्त तो अहबाब हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। डियर गाइस, आपको हम बताएंगे, जो दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, हमने एक गलती जो हमने गलती की है वो आप कतई ना करें। डियर गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि दो तीन वीडियोस ऐसी जो हमने किसी की उठा के जो है उनको थोड़ा सा एडिट करके अपने चैनल पे डाला था, मगर जो ये गाइडलाइंस यूट्यूब की हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। यानी किसी का कंटेंट आप उठा के जो है वो अपने यूट्यूब पे सिर्फ कुछ सेकेंड्स का डाल सकते हैं, अगर 1 मिनट से ज्यादा होगा तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने का जो है वो खतरा है। तो यही गलती हमने अपने चैनल पे की और जिसकी वजह से हमें जो है वो दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हैं, जिसकी वजह से अब हमें जो है, मैं आपको बताता चलूँ, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपकी चैनल पे आती है तो आपको 90 दिन इंतजार करना होगा। 90 दिन जो है आपको इंतजार करना, उसके बाद ही वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटेगी। इन बिटवीन अगर आपकी जो है इस महीने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई और दूसरी भी इसी महीने के कुछ दिन या किसी और तारीख को आ जाए, तो आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो उसी डेट से जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ तक स्टार्ट होगा। और जब तक अगर दो कम्युनिटी एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक्स आपके चैनल पे आई हैं तो आपको 90 दिन इंतजार एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का जो है वो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए आपको रिकमेंडेशन जो है वो हो सकती है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप किसी का कंटेंट यूज ना करें और अपने चैनल के लिए जो है वो प्रॉब्लम खड़ी ना करें।